kidding. ऊपर वाले, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? अरे मेरी जल्दी आओ। अरे एक बड़ी सी चिड़िया ने हम पे हमला कर दिया है। अरे जल्दी आओ, सब कुछ छोड़ के जल्दी आओ। हाँ वो बड़ी चिड़िया किधर है? चाय वाले भैया जल्दी बताओ, वो बड़ी चिड़िया किधर है? वो देखो। अरे इसे चिड़िया कहते हो? ये तो ड्रैगन। हमें भी फंसा दिया चाय वाले भैया। अरे खबर तो सही देनी थी। कोई तो बचाओ भैया, हमें भी फंसा दिया। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ सोचो। आइडिया, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। अरे तुम इसे रोको, मैं समोसे लेकर आता हूँ। चाय वाले भैया जल्दी से समोसे खिला दो। अरे समोसे पकाए हो तब तो खिलाओ, तलने ही वाला था। अग्नि वर्षा हो गई। ये रखे हैं कच्चे समोसे, खा ले। आइडिया, लगता है ड्रैगन बड़े भैया को खा लिया है। वो इस ड्रैगन के पेट में है, उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। हाँ, मैं इस ड्रैगन को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैंने कितनी मेहनत से ये रोबोट ड्रैगन बनाया था और तुमने कितनी आसानी से इसे तोड़ दिया यार। साथ में मेरी हड्डी पसली भी तोड़ दी। ओए यार, रोबोट ड्रैगन? डॉक्टर छत का तुम्हारा मतलब क्या है? ओए यार, मैं ड्रैगन पे रिसर्च कर रहा हूँ। देखना चाहता था कि आज के जमाने में लोग अगर ड्रैगन को देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन मोटू, तुमने तो मेरे आविष्कार का तिरस्कार कर दिया मेरे भाई मेरे यार। तुम्हें
अपने आविष्कार की पड़ी है। अरे इसकी वजह से पूरे फुरफुरी नगर में हाहाकार मच गया। उसका क्या? मेरी कार जल गई और मेरी दुकान जल गई, मेरा मकान जल गया। मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूँ, मैं सबका हर्जाना भर दूंगा। ओ यार डोंट वरी, मैं सबका डबल हर्जाना भर दूंगा यारी। अगर रिसर्च करनी थी तो असली ड्रैगन पे करो ना। भैया वहाँ पतलू ठीक कर रहा है, रिसर्च करनी है तो असली ड्रैगन पे करो। ली 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 असली। बड़ा भैया चलो हम सब असली ड्रैगन को ढूंढने चलते हैं। चलो मुझे मेरे पैर मेरी यार, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे पक्का यकीन है कि एक जगह ऐसी है जहाँ ड्रैगन अभी भी रहते हैं यारी। चलो यारो चलते हैं असली ड्रैगन की खोज में। है यारी जय हो ड्रैगन वर्ल्ड, हम आ रहे हैं। हम क्यों नहीं खा सकते? इन बेरीज को खाने से ब्लैक ड्रैगन्स के पेट में आग बनती है बेटा, और वो आग उगलते हैं। इसलिए उन्होंने सबको मना किया है कि उनके सिवा ये बेरीज कोई नहीं खाएगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो आकर हम सबको खत्म कर देंगे। ड्रैगन है भैया, 300 साल पहले हमारे पूर्वज ने ये खा ली थी तो ब्लैक ड्रैगन्स ने आके सबको खत्म कर दिया था। तब से आज तक हम ग्रीन ड्रैगन्स में से किसी ने ये बेरीज नहीं खाई। वैसे भी हम लोग पीसफुल ड्रैगन्स हैं, हमें रेनबो बेरीज की क्या जरूरत? मैं खेलने जा रहा हूँ। रुक जा ड्रैगनी बेटा, रुक जाओ। खुले मैदान में जाना मना है। ऊपर से उड़ते हुए ब्लैक ड्रैगन्स ने देख लिया तो वो हम पर हमला कर देंगे। बेटा हम हमेशा पेड़ों के बीच ही छिपे रहते हैं। ये मत करो वो मत करो, ये क्या है मम्मी, ब्लैक ड्रैगन से इतना भी क्यों डरना? मेरी यार काश हमें वहाँ हर तरह के ड्रैगन मिल जाए तो मजा आ जाएगा यारी। बड़े भैया हर तरह से क्या मतलब है? मोटू मेरे भाई मेरी यार ड्रैगन दो तरह के होते हैं, ब्लैक ड्रैगन और ग्रीन ड्रैगन। ब्लैक ड्रैगन तो बड़े ही ईविल टाइप के होते हैं यारी। जी किंग ड्रैगो, वो देखो इतना सुंदर जंगल, वहाँ रेनबो बेरीज भी बहुत लगी है। चलो वहाँ चलते हैं। हाँ ड्रैगोनिटा चलो। किंग ड्रैगो वहाँ एक ग्रीन ड्रैगन भी दिख रहा है। दिख रहा है तो कुछ देर में नहीं दिखेगा। कर बुरा
तो हो भला, अंत बुरे का भला। हमला। ओ, तुम हमसे डर कर भागे नहीं? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? मैं क्यों डरूं? ये हमारा घर है। कर बुरा तो हो भला, अंत बुरे का भला। ज्वार भाटा, इसका वो ऑन कर दो कि फिर कभी कोई ग्रीन ड्रैगन हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत ना करे। जी महाराज ड्रैगन, एक मिनट दीजिए, एक मिनट। नीचे, ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ये क्या बकवास है? बंद करो ये खुजली बुजली। अटैक। ऐसे ही सबको जला देंगे। ब्लैक ड्रैगन आ गए, भागो भागो, रन रन, बम्बी। इस तरफ तो मेरे सारे साथी हैं, उधर गया तो सब खत्म हो जाएंगे। मुझे इन्हें दूसरी साइड ले जाना होगा। तो ड्रैगन की आवाज है, वो कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा है। कहीं किंग ड्रैको के ड्रैगन्स नहीं आ गए? ब्लैक ड्रैगन्स आ गए, भागो भागो। Yeah!
आ गया। पकड़ो पकड़ो, बड़े भैया आ गए। नहीं नहीं, वो आ गया। अरे वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अरे अब बताओ कि भिकी कौन आ गया। अरे कचका कचका कचका, वो आ गया। अरे आ गया, वो आ गया। अच्छी खबर नहीं, और तुम मेरे पिटाई कर रहे हो। नदी में ड्रैगन आया है। ड्रैगन मार चुके बम्बल वाले, किसी का नाम कैमरे निकालो और शूटिंग शुरू करो यार। उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा ड्रैगन को भी नहीं देखा। नामुने ये तो आंख भी नहीं खोल रहा। ड्रैगन गेट अप, गेट अप, तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, गेट अप। चिंगम सर, मेरे पाए मेरी यार, ये आपके ऑर्डर देने से खड़ा नहीं हो पाएगा यार। ये बहुत जख्मी है, मैं इसे एक दिन में ठीक कर दूंगा मेरे पाए। और ये है पतलू, और ये है डॉक्टर झटका, और ये इंस्पेक्टर चिंगम है, और ये घसीटा राम है। तुम्हारी पूंछ का है, पंख का है तुम्हारे। और हमारी पूछे नहीं होती, तुम हमारे दोस्त है। सॉरी सॉरी, हम तुम्हारे दोस्त है। दोस्त? नहीं नहीं, तुम दोस्त नहीं हो सकते। जरूर तुम लोग ब्लैक ड्रैगन्स के राजा ड्रैको के जासूस हो। उसी ने तुम्हें मुझे यहाँ पकड़ने के लिए भेजा होगा, है ना बाबू? अरे ब्लैक ड्रैगन कौन है ये तो बता दो। ओ मेरे ड्रैगन पाए मेरे यार, तुम्हें आराम की जरूरत है। एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और तुम ठीक हो जाओगे यारी। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे एक भी सुई नहीं चुबा सकते। मम्मी नहीं। राजा ड्रैको से कौन बचाएगा? ओ मेरे भाई, मेरे प्राण, मैंने ब्लैक ड्रैगन के बारे में सब रिसर्च कर लिया है यारी। जब ये ठीक हो जाएगा, हम सब मिलके इसका साथ देंगे। हम इसे उस ब्लैक ड्रैगन के राजा ड्रैको से भी बचाएंगे, चाहे वो जहाँ भी हो। हाँ हाँ हाँ। आ रहे हैं।
महाराज ड्रैको, कैसे हैं आप सब? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? घर बुरा तो हो भला, अंत बुरे का भला। हमारा क्या बुरा हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक बार फिर ग्रीन ड्रैगन्स को मात दी है। ओ जादी, ग्रीन ड्रैगन रानी के एक बेटे ने हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत की और हमने उसे खत्म करके नदी में बहा दिया। इसके बाद अब कोई भी ग्रीन ड्रैगन हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। रानी का बेटा? ओझा जी, कुछ बात है क्या? रानी का बेटा जिंदा है, वो खत्म नहीं हुआ, वही तुम सबके विनाश का कारण बनेगा। उसकी मदद कोई इंसान करेगा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। जॉल भाटा, तुमने तो कहा था कि वो ग्रीन ड्रैगन नदी में गिरकर खत्म हो गया था। तुम दोनों ने उसको खत्म होते खुद देखा था ना? हमारे भाटा, सब ठीक से जाना। खुजलाना बंद करो। महाराज, वो हमने फिर भाटा या थोड़ा इधर भी। खुजलाना बंद करते हो कि मैं? महाराज नहीं, हमने खुद उसे नदी में बहते हुए देखा था। अब उतनी सी जान आगे झरने में गिरकर कब का खत्म हो गया होगा। हो गया होगा का क्या मतलब होता है? अभी जाओ और उस बच्चे को ढूंढो, अगर वो जिंदा है तो उसको देखते ही खत्म कर डालो। उसके साथ कोई इंसान दिखे तो उसे भी खत्म कर दो। जाओ 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 जाओ। महाराज, ये इंसान क्या होता है? वो दो पैरों पे चलने वाला जानवर होता है, उसके दुम और पंख नहीं होते। जाओ यहाँ से, खत्म कर दो उन्हें। जाओ। ओह, तो तुम लोग उड़ नहीं सकते, मुंह से आग नहीं फेंक सकते, और इसी का फायदा वो ब्लैक ड्रैगन उठाते हैं। ड्रैगन भैया, पहले तुम्हें मुंह से आग निकालना और उड़ना सीखना होगा, फिर हम जाके उन ब्लैक ड्रैगन्स की खबर लेंगे। तुम गुस्से से चिल्लाओगे तो मुंह से आग निकलेगी। जोर से गुस्सा करो और चिल्लाओ। मेरी यार, और जोर से चिल्लाओ। ड्रैगन गुस्से में ही आग निकालते हैं, ऐसी मेरी रिसर्च कहती है यारी। और चिल्लाओ। ओके, नो प्रॉब्लम, पहले उड़ना सीख लो। यहाँ से डाइव मारो और दोनों पंखों को यूं ऐसे फैला लो। देखना, तुम उड़ने लगोगे। टाइम बार के पंख कैसे खोलूंगा? मुझसे नहीं होगा। अरे बड़ा सिंपल है, देखो ऐसे यूं। अरे देखो तो। अरे मोटो, ये क्या किया? सॉरी, मैं नहीं करूंगा। देखो तुम तो उड़े ही नहीं। अरे मेरे पास हाथ है, पंख नहीं। तुम्हारे पास पंख है, कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओके ओके, कोशिश करता हूँ। कहा था वो नहीं, फिर से कोशिश करो।
निकला है तो आग तो निकलेगी ही ना। वो ब्लैक ड्रैगन आ गए और वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? यहाँ छुपता हूँ। अरे अरे ड्रैगन, यहाँ मत छुपो, नदी पार जाओ जल्दी। हाँ हाँ ड्रैगन दोस्त, तुम जल्दी से नदी पार जंगल में जाके छुप जाओ, हम लोग उस ब्लैक ड्रैगन से निपट लेंगे। नदी के उस पार देखो, जल्दी करो, जाओ। जी खुजली जी, माफ कीजिए जी सेनापति जी, पर तो मुझे उस तरफ जाकर ड्रैगन को बताना होगा। इंसानों कैसे हो? ड्रैगन दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मैं छुपा हुआ हूँ, वो मुझे ढूंढ नहीं सकते। तुम्हारे छुपने की स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब भागो यहाँ से, क्योंकि वो लोग इधर ही आने वाले हैं। जाओ झरने के ऊपर से जाना और अंडरग्राउंड रिवर को फॉलो करते हुए जाना, देखना तुम अपने घर पहुँच जाओगे। पर तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, हमारे लोगों को ब्लैक ड्रैगन से बचाओगे। हाँ दोस्त, मैंने कहा था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन किसी भी वक्त इधर आ जाएंगे। अभी झरने के ऊपर जाके अपने घर की तरफ भागते जाओ, लेकिन कहीं रुकना मत, मैं अपने दोस्तों के साथ वापस आता हूँ। मोटू जल्दी आना। इसे भी बांध दो।
क्वीन ब्यूटीना का बेटा ड्रैगोनी कहाँ है? कौन ड्रैगोनी? हम किसी ड्रैगोनी को नहीं जानते। तो सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसका मतलब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे एक मिनट, एक मिनट, हमें कंफ्यूज मत करो। तुम्हें घी चाहिए? बोलो। अरे घी चाहिए तो पहले बोलना था ना, हम तुम्हें बाजार से जितना घी चाहिए उतना लाके दे देंगे, पक्का वादा। ओहो, कैसा इंसान है ये। अरे मेरा मतलब है कि अगर तुम सीधे तरीके से नहीं बताओगे कि ड्रैगन ने कहा है तो मुझे टेढ़े तरीके भी इस्तेमाल करने आते हैं। ओके ओके, तब ठीक है, करो इस्तेमाल टेढ़े तरीके का। अरे मोटू, जब खुल ही गए थे तो भागे क्यों नहीं? ओहो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। वैसे भी तुम लोगों को छोड़ के मैं भागता कैसे? बताओ कैसे भाग जाता? मेरे पास समय कम है। हम जानते हैं कि ड्रैगन की मदद इंसान कर रहे हैं और वो इंसान तुम हो। आग तुम्हारे पास पहुंचने तक बता दिया तो ठीक, नहीं तो। क्या करूं, क्या करूं? अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं? कैसे बचाऊं मैं उन्हें? तुम ड्रैगन हो, उड़ते हुए जाओ और उन पे आग बरसा के उन्हें खत्म कर दो और अपने दोस्तों को बचा लो। तुम चाहे जो कर लो, चाहे हमें खत्म कर दो, लेकिन हम किसी ड्रैगन को नहीं जानते। एक बार कहा है लेकिन किसी हजार बार समझना। अभी भी बता दो, बता दो तो ठीक है, वरना। हमें नहीं पता ड्रैगोनी कौन है। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। चाहे खिला दो, चाहे खत्म कर दो, जो चाहे कर लो, हम तुम्हें ड्रैगोनी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। उसके मुंह से आग कैसे निकल रही है? वो उड़ कैसे रहा है? ग्रीन ड्रैगन्स उड़ते नहीं, वो आग नहीं उगलते। सेनापति जी भागो, जो चिरावा ने कहा था कि वो आग उगलेगा और वो उड़ेगा, वो हमारी बर्बादी का कारण होगा। जल्दी से खुजली कीजिए, माफ कीजिए। यहाँ से निकलो, फिर देखेंगे क्या करता है। मेरे घर चलोगे ताकि ड्रैगन से हम सबको बचा सको? अरे शुभ काम में देर काहे की, चलो।
मम्मी मम्मी ड्रैगन कितने दिनों से गुम है, वो कब वापस आएगा? पता नहीं बेटा, वो कब वापस आएगा, आएगा भी कि नहीं। मम्मी ड्रैगन आ गया मम्मी। ड्रैगन मेरे बच्चे, मम्मी तुम आ गए। ये लोग कौन है बेटा? मम्मी डरो मत, ये मेरे दोस्त मोटू पतलू है। इनकी वजह से ही मैं सही सलामत आप तक पहुंच पाया हूँ। तुमने उड़ना कैसे सीख लिया ड्रैगन? मुझे उड़ना भी मेरे दोस्तों ने ही सिखाया है। ये लोग इंसान हैं और यहाँ हमारी मदद करने आए हैं। मैंने इंसानों के बारे में बहुत सुना है, ये बहुत ही तेज होते हैं। इनके पास खतरनाक हथियार होते हैं जिनसे ये उड़ते हुए ड्रैगन को जमीन से ही खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब समझ में आया जोगा? इसका मतलब होता है भागो। रुक जाइए, तुम सब कहाँ जा रहे हो? रुको तो, हमारी बात सुनो। रुको, आप सब लोग भाग क्यों रहे हैं? मेरा यकीन कीजिए, ये लोग बहुत अच्छे हैं और इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। आपको हमसे कोई भी खतरा नहीं है, हम लोग ब्लैक ड्रैगन्स को भगाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। हम ब्लैक ड्रैगन्स को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भगा देंगे। सुना तुम लोगों ने, ये हमारी मदद करना चाहते हैं, ये ब्लैक ड्रैगन्स को भगा देंगे। अगर कोई कहे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ कर ला सकता हूँ तो उसका क्या मतलब होता है? मुझे मालूम है, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। इस पर कभी भी विश्वास मत करो और मौका मिलते ही भागो। रुको, भाग रहे हो, तुम भाग रहे हो, हमारा विश्वास करो। रुक जाओ प्लीज। रानी जी, आप लोग हमसे डर क्यों रहे हैं? हम सब आपके ड्रैगन के दोस्त हैं। तो आपके भी तो दोस्त थे ना। और ये क्या है, बात बात में भागो भागो भागो, क्या आपने इन्हें सिर्फ भागना ही सिखाया है? भागो का मतलब होता है जिंदगी। खतरा देखकर जो जितना तेज भागता है उसकी जिंदगी उतनी लंबी होती है। ब्लैक ड्रैगन से बचने के लिए हम भागते हैं, वही हमारी आजादी है। अरे भागना आजादी नहीं, गुलामी है। मुसीबत से डर के डरपोक लोग भागते हैं। आप लोगों को ब्लैक ड्रैगन्स का हिम्मत से सामना करना चाहिए। आप हम पर भरोसा रखिए, हम लोग आप सबको उड़ना सिखाएंगे। देखिए, आप लोग मेरे बच्चे के दोस्त हैं, इसलिए मैं आप पर विश्वास करती हूँ। तो ठीक है, कोशिश करके देखिए, हम सब आपका साथ देंगे। सबसे पहले तुम सबको मुंह से आग निकालने की प्रैक्टिस करनी है। पर मुंह से आपको ये रेनबो बेरीज खाने से निकलती है। ये तुम लोगों की गलत फहमी है। जब भी ड्रैगन को गुस्सा आता है तो उसके मुंह से आग निकलती है। तुम सबके अंदर ब्लैक ड्रैगन्स के लिए जो गुस्सा है उसे बाहर निकालो तो आग जरूर निकलेगी। सोचो, ब्लैक ड्रैगन्स ने तुम सब पर हमला कर दिया है। उन्होंने रानी जी को कैद करके रस्सी से बांध दिया है। उन्होंने रानी जी के आसपास आग लगा दी है और आग तेजी से रानी जी की तरफ बढ़ रही है। रानी जी की जान खतरे में है। ऐसे में तुम सब क्या करोगे? मुझे मालूम है, मम्मी ने ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना सिखाया है। वेरी गुड, बताओ जोगा, ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? भागो! रुको! अरे मोहा, इन लोगों को भागने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। हमें रानी माँ ने सिखाया है, कभी भी खतरा हो तो भागो। हम सब रानी माँ की आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं।
वो तो इनको इस तरह से गुस्सा दिलाना तो बड़ी टेढ़ी खीर लगती है। पतलू ट्रेनिंग के बीच कोई खीर पूरी खा सकता है क्या? और वैसे भी खीर कभी टेढ़ी नहीं होती। अरे मोटो, ये कहावत है। मेरे कहने का मतलब है कि इनको गुस्सा दिलाना आसान नहीं होगा। पहले इनको उड़ना सिखाते हैं, ओके? ड्रैगनी, पहले तुम उड़ के दिखाओ, फिर सब कोशिश करो। ओके मोटो। सकते क्योंकि हम 300 सालों से उड़े ही नहीं हैं। हम उड़ते थे तो दूर से ब्लैक ड्रैगन्स देखकर हमें खत्म करने आ जाते थे। रही आग उगलने की बात, तो आग इन रेनबो बेरीज खाने से बनती है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन्स ने हमें ये खाने से मना किया है, इसलिए पिछले 300 सालों से हमने ये बेरीज नहीं खाई है। जो पिछले 300 सालों से नहीं हुआ वो अब होगा। बोलो, कौन खाएगा ये रेनबो बेरीज? तुम खा के दिखाओ तो सांप का जोश बढ़ेगा। लोगों ने मुझे बोल बोल कर फंसा दिया। ये तो हरी मिर्च से भी ज्यादा तेज है। अब तो मैं सबको खिला कर ही रहूंगा, सबको खिलाऊंगा। दिखा है, बढ़िया है, बढ़िया है। सही कहा था, ये बेरीज खाते ही हमारे मुंह से तो क्या कान से सब जगह से आग निकलने लगी है। आप लोग भी खाओ तो आग जरूर निकलेगी। हाँ नहीं नहीं, मैं अपनी प्रजा की जान खतरे में नहीं डाल सकती। इन बेरीज पर तो सिर्फ ब्लैक ड्रैगन्स का ही कब्जा है, यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी दुनिया में इनका एक बड़ा सा भंडार बना कर रखा है। भंडार? ओहो, वो भी रेनबो बेरीज का? पतलू, बड़े भैया सब चलो, हम सबसे पहले जाके उन ब्लैक ड्रैगन्स का भंडार ही खत्म कर देंगे। चलो। हाँ, वो तो ठीक कह रहे हो, रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब ये बांस और बांसुरी कहाँ से आ गया? अरे हम एक सीरियस मैटर पर डिस्कस कर रहे हैं और तुम्हें बांसुरी की पड़ी है। ओहो, ये एक कहावत है मोटो, ना रहेगा रेनबो बेरीज का भंडार और ना ही वो आग उगलेंगे। बुरा तो हो भला, अंत बुरे का भला। जश्न शुरू किया जाए। ओ, ये तो कर बुरा तो होगा भला कहता है, एकदम उल्टा ही सोचता है।
रखा है, जल्दी जाकर देखो। तो देखो वो रहे, पकड़ो उन्हें। जो हमारे इलाके में आकर हमला कर सके। महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको नहीं बताया महाराज कि ये ड्रैगन के दोस्त थे। अपने ओझा जी ने भी बताया था कि इंसान उनकी ढाल बनकर हमें नुकसान पहुंचाएंगे। अब तो ड्रैगन क्वीन का बेटा ड्रैगन उड़ना और मुंह से आग निकालना भी सीख गया है। एक ने उड़ना सीख लिया है तो दूसरों पर उसका रंग चढ़ने देर नहीं लगेगी। जाओ और मौका पाते ही क्वीन के बेटे को पकड़ कर हमारे पास ले आओ। और हाँ, ड्रैगन ना मिले तो रानी के दूसरे बेटे को ही पकड़ लेना। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए तो उसको छुड़ाने ग्रीन ड्रैगन और उनके इंसान दोस्त भी यहाँ आएंगे। फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। रानी जी, हमने ब्लैक ड्रैगन के बेरीज के सारे ढेर को जला दिया है। उनके पास अब कुछ भी बेरीज नहीं बची है, तो वो बेरीज के लालच में यहाँ जल्दी ही हमला कर सकते हैं। उससे पहले आप सबको खुद को उनका सामना करने लायक बनाना होगा। आप सबकी हिम्मत देखकर मैं भी ऐलान करती हूँ कि हमारे सब साथी आपसे उड़ने और आग उगलने की ट्रेनिंग लेंगे। आज के बाद कोई नहीं भागेगा। पतलू टाइम कम है और इनको उड़ना आग निकालना सिखाना है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। मोटू, जब ये सारे बच्चे इतनी उछल कूद कर रहे हैं और इतनी ऊंचाई से स्लाइड पर फिसल सकते हैं, तो अगर खेल खेल में एक बार इनको वहाँ से जंप करा दिया तो इनको उड़ना ही पड़ेगा। अरे तुम सब ये क्या स्लाइड से बार बार नीचे सरकते हुए जा रहे हो? उधर ऊपर से सीधा नदी में डाइव मारो तो देखो कितना मजा आएगा। अरे डाइव मारो ना। पर इतने ऊपर से हम नदी में डाइव मारेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी? अरे कोई चोट नहीं लगेगी, यकीन नहीं होता? तो हम डाइव मार के दिखाते हैं। तुम सबने देखा कितना आसान और मजेदार था? अब बोलो कौन कौन डाइव मारेगा? कौन कौन? पहले मैं डाइव मारूंगा। मैं भी। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, पक्का? अब अपने अपने पंख फैला लो। अब पंखों को ऊपर नीचे फड़फड़ाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी पूरी प्रजा पंख फैलाकर उड़ भी सकती है। रानी जी बस थोड़ी सी और हिम्मत और फिर देखिए आप सब मुंह से आग भी निकाल पाएंगे। और ये बेरीज आप सबको खानी है, आप ही को खानी है। नहीं नहीं,
डेरीज खाने का आदेश मैं नहीं दे सकती। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर आप सब फूल पत्तियाँ तो खा सकते हैं ना, बस आपको इन सबको आँख बंद करके खाने का आदेश देना है। आँख बंद करके खाने से खाना सीधा पेट में जाता है और शरीर की सारी नसें आपस में अच्छे से संचालन कर पाती है, जिससे बदन में ताकत आती है। पतलू, आपकी बात मुझे कुछ समझ में तो नहीं आई, पर आप कहते हैं तो मैं आदेश दे देती हूँ। सुनो सब, सबको आंख बंद करके खाना खाना है, जब तक मोटू पतलू रोके नहीं तब तक। आग बचा के रखो ब्लैक ड्रैगन्स के लिए। उड़ी बाबा, आपने 20 साल के तजुर्बे में मैं इतना नहीं जोला। मैं हम सब की तरफ से माफी मांगती हूँ, वेरी वेरी सॉरी। चलिए अब इसी खुशी में कुछ खाना पीना हो जाए। कि वो एक को पकड़ेंगे तो बाकी सब उनके पास खुद ही चले जाएंगे, यही तो उनकी चाल है। चाल है तो चाल ही सही, पर मोटू अपने दोस्त पतलू के बिना जी कर भी क्या करेगा। बड़े भैया, चिंगम सर, जल्दी चलो जल्दी चलो। भैया मत चलो, हम भी साथ में चलते हैं, पतलू को छुड़ाने के लिए जाना ही पड़ेगा। क्वीन ब्यूटी ना, आप लोग यही रुकिए। मोटू तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है, मैं भी साथ चलूंगा। महाराज महाराज, रानी का बेटा तो बच गया, पर हम इसको पकड़ लाए हैं। ये इंसान और इसके दोस्त मिलकर खुजली कर रहे हैं, माफ कीजिए, ग्रीन ड्रैगन्स की मदद कर रहे हैं। हाँ, हमने उनकी मदद की है, अब वो पहले जैसे डरपोक नहीं रहे। कर बुरा तो हो भला, अंत बुरे का भला। बहुत बोलते हो, बांध दो इसे। कर रहे हो, ये आपका कोला कोई खेल है क्या? बूढ़ी बाबा, वो क्या बोलते गए आप कुछ समझ में नहीं आया। वो बोला कि जैसा प्लान है वो करो। कम ऑन लेट्स गो। कर बुरा तो होगा भला, कहता पकड़ो ने। अरे
किससे वो लोग बच गए? बहुत हुआ मस्ती मजाक, अब करना है हम सबको उन पर सामने से प्रहार। सब युद्ध के लिए कमर कस लो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मोटू पतलू, पर हम लोग उनसे लड़ेंगे कैसे? उन्हें तो देखते ही हमारी सारी प्रजा थर थर कांपने लगती है। रानी जी, आप सबको उनसे लड़ना नहीं बल्कि खुद को बचाना है, और खुद की सुरक्षा करने का हक हर जीव को होता है। ओ मेरे भाई, मेरे यार, ये ट्री वाइज देख रहे हो? ये इतनी मजबूत है कि इन पे आग का असर बिल्कुल नहीं होता है यारी। हम इनका इस्तेमाल उनको पकड़ने के लिए करेंगे यारी। लड़ने के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग की भी जरूरत होती है। हम ताकत और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करेंगे, और मेरा विश्वास है कि उन्हें हम जरूर हरा देंगे। बुरा तो हो भला, अंत बुरे का भला। इन ब्यूटी ना, उन इंसानों को हमारे हवाले कर दो, वरना उनके साथ तुम सब भी खत्म हो जाओगे। हिम्मत है तो यहाँ आकर उन्हें ले जाओ। एजी ओजी किंग ड्रैको, मैं बहुत दिन से इसके खात्मे का सोच रही थी, आज मौका मिल ही गया, इसको तो मैं देखती हूँ। क्या हुआ, भाग क्यों रही हो? सारी बहादुरी कहाँ गई तुम्हारी? हाँ, तुमने उड़ना कब सीख लिया? सिर्फ उड़ना ही नहीं, बहुत कुछ सीख लिया हमने। आग निकालना भी सीख लिया। साथियों, जाल डालो। ड्रैको, तुमने मुझे और मेरी प्रजा को बहुत परेशान किया, पर बस अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मेरे साथ हैं मोटू और पतलू। और उनके दोस्त। तुमने मेरी ड्रैगोनिटा को पकड़ा है, आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। स्केटा, अटैक! और सिपाही भेजो। सेनापति, ये कैसी लड़ाई है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
महाराज, ये सब उन्हीं इंसानों का किया धरा है। वो बड़े चालाक हैं। और अब वो मुझसे नहीं बचेंगे। प्रजा के सामने तुम्हारी इज्जत जलकर खाक हो जाएगी। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। मोटू पतलू, इनको छोड़ना मत। इन्होंने हमारे पूर्वजों के टाइम से हमें परेशान कर रखा है। इन्हें खत्म कर दो। शांत हो जाओ। इनको खत्म करके आप लोगों में कड़वाहट और भी बढ़ेगी। इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ पर हर किसी को जीने का हक है। ओके ड्रैको, तुम बताओ कि तुम्हें इन ग्रीन ड्रैगन्स के साथ क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो कोई नहीं है। हमारे पूर्वज इनसे लड़ते आ रहे थे तो हम भी इनसे लड़ते हैं। कारण हमने कभी सोचा ही नहीं और न ही कभी किसी से पूछा। करण, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन रेनबो बेरीज के लिए ही तुम ग्रीन ड्रैगन्स को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हो ना? पर जरा देखो देखो, यहाँ पर हर तरफ पेड़ों पर रेनबो बेरीज लगी हुई है। तुम सब मिलकर खाओगे फिर भी खत्म नहीं होंगी। फिर ये लड़ाई कैसी? सब मिलजुल कर रहो। ए जी ओ जी किंग ड्रैको, ये लोग सही कह रहे हैं। ये चाहते तो मुझे खत्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये दुश्मनी नहीं, दोस्ती चाहते हैं, दोस्ती। ड्रैगोनिटा, तुम सही कहती हो। इनसे दुश्मनी करके हमें आज तक कुछ नहीं मिला सिवाय नफरत के। चलो अब दोस्ती करके देखते हैं। तो फिर सोच कर रहे हो? आओ सबसे हाथ मिलाओ और दोस्त बन जाओ। आज से मैं ऐलान करता हूँ कि हमारी तरफ से कोई भी ग्रीन ड्रैगन्स को तंग नहीं करेगा। आज से, बल्कि अभी से, हम सब दोस्त हैं। मोटू
मोटू पतलू थैंक यू वेरी मच, तुम लोगों ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। रानी जी हमें आप जैसे दोस्त मिले, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बड़े भैया शूटिंग पूरी हो गई हो तो आप चले। डॉक्टर झटका एक मिनट, तुम सब ये शूट करके ले जाओगे तो तुम्हारा देश विदेश में बहुत नाम होगा, बहुत नाम होगा। पर जरा इन ड्रैगन्स के बारे में भी तो सोचो, अगर दुनिया को इनके बारे में पता चल जाए तो सब इनकी तलाश में यहाँ आ जाएंगे और जीना मुश्किल हो जाएगा इनका। हाँ अभी तो इन्होंने असली जिंदगी की शुरुआत की है और इनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। मोटू पतलू मेरे भाइयों मेरे यारों, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है यार, मैं इनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता यारी। कर भला तो होगा भला और अंत भले का भला। आज से ना कोई ब्लैक ड्रैगन होगा और ना ही कोई ग्रीन ड्रैगन, आज से सब एक है। मोटू और पतलू की जोड़ी।